इस समय में पहुंच के ढेंगला गांव में हूँ, जहां पर कई बार हमने पूंछ यूनिवर्सिटी कैंपस की खबर चलाई और आपको बता दें पूंछ प्रशासन हरकत में आया और तुरंत इसका काम जो है वो शुरू कराया। कई देर तक ये काम बंद जरूर रहा पर अब तेजी से इसका काम जो है वो चल रहा है। पहले तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिल्डिंग पूरी तरह से बनके तैयार होगी और अंदर का जो काम है वो भी 30 जनवरी के महीने में इस बिल्डिंग को जो है वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा। और आपको बता दें उन बच्चों के लिए ये खुशखबरी है जो यहाँ से बाहर जम्मू या जम्मू से बाहर जाकर जो है वो शिक्षा लेते थे, पर उन बच्चों के लिए आप राहत की सांस जो है वो लेने वाली बात जो है वो देखने को बनेगी, क्योंकि बिल्डिंग पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और कुछ ही काम जो है वो बचा है, वो भी थोड़ी देर में पूरा कर लिया जाएगा। सर मेरा नाम डॉक्टर रूबिया बुखारी है। घर से बताएं कि ये जो कैंपस का काम है आप इंचार्ज हैं यहाँ, तो किस तरीके से काम चल रहा है और कब तक ये कंप्लीट किया? सर काम बहुत बेहतरीन चल रहा है, जैसे आप देख रहे हो काम में एक अपनी ही स्पीड है जो कंटिन्यूसली, मतलब एक साल के अंदर हमें 4-5 बिल्डिंग्स देखने को मिली हैं यहाँ पे। और प्लस जो स्टेटस है इसका अपकमिंग वो ये है कि शायद हमें हो सकते हैं जन 2024 तक हमें ये बिल्डिंग जो है हमारा पूंछ कैंपस जो अभी रेंटेड अकोमोडेशन में चल रहा है वो यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा। तो किस तरीके का काम जो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से किस तरीके का रिस्पांस है? सर कॉन्ट्रैक्टर का रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है, या हमारी जो सुपरविजन की अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उनका सुपरविजन डायरेक्ट है इनके ऊपर, प्लस जो डायरेक्टर पूंछ कैंपस है प्रोफेसर राकेश वेद सर, उनका कॉन्टीन्यूसली सपोर्ट और जो सुपरविजन है वो है। तो उन सारी चीज़ों को ओवरऑल हम अगर देख के मिला के चलते हैं तो उन्हीं की सुपरविजन में सारे काम चल रहे हैं और काम बहुत पॉजिटिव वे में चल रहा है। और डेफिनेटली कि पूंछ के कमिंग डेज में पूंछ के लोगों को या पूंछ डिस्ट्रिक्ट को बहुत फ़ायदा होगा इस यूनिवर्सिटी का। तो मैम यहाँ पे जो बाउंड्री वॉल है वो भी नहीं है, जिसकी वजह से एक नाला है उसका पानी जो अंदर आने का खतरा है, तो उसके लिए किस तरीके का जो है? जी उसमें एक्चुअली अभी रिसेंटली एक विज़िट हुआ था डायरेक्ट ऑनरेबल DC सर का, तो उन्होंने आके पूरा इस चीज़ को इंस्पेक्ट किया या जो भी इस पर कार्रवाई बनती थी वो की है। तो उनके साथ में जो हमारे एग्जीन सर थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, या जो भी AEEEs वगैरह थे, जो भी कंसर्न अथॉरिटी थे, वो सब आए, उन्होंने यहाँ पे आके मौके पे सारी चीज़ों को देखा है और इसमें डेफिनेटली जो भी आगे फर्दर जो स्टेप रहेगा वो भी उस पर कार्रवाई जल्दी हो जाएगी। जी